पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक के केस में पुलिस ने आरोपी छात्रा के मोबाइल से 12 वीडियो रिकवर किए हैं। अभी तक यह आपत्तिजनक वीडियो उसी छात्र के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मोबाइल के बाद लड़की का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया है। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी छात्रा को सन्नी मेहता और रंकज वर्मा ब्लैकमेल कर रहे थे। उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दूसरी छात्राओं के अश्लील वीडियो मंगवाए थे। वहीं आरोपियों के फ़ोन से दिल्ली, मुंबई और गुजरात में लगातार कॉलें की गई, जिससे इन आरोपियों के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।